दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से घर बैठे बजाज कार्ड को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप बजाज कार्ड घर बैठे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बजाज फिन सर्वर की जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस ऐप का जो लुक है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस ऐप के अंदर आपका जो भी बजाज का जो नंबर है उसके थ्रू आपको इस ऐप के अंदर लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर है वो लगाने होंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ परमिशन है उसको अलाउ करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसको एग्री करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है एक्सेप्ट, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना तो कर सकते हैं, इसके लिए आपको उस पर टिक लेना है और उस पर यस क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो बजाज का नंबर है वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना नंबर लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद दोस्तों हमें इस प्रकार से एक OTP आता है, उसको हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है। अब यहाँ पे इसका जो लुक है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। अब यदि दोस्तों आप अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एक्टिव लोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप इस पेज के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है सी डिटेल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है कार्ड स्टेटस, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट है। यदि आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे आपको कोई कारण सेलेक्ट करना है कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक क्यों करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको रीजन लगाना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट लेता हूँ डू नॉट वॉन्ट EMI कार्ड नाउ, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये परमिशन है उसको यहाँ पे एग्री करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आप इसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो ब्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो कार्ड है वो लगभग 48 घंटों में यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो कार्ड है वो ब्लॉक दिखे देगा। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो कर ली है, 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद आपका जो कार्ड है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है।